सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्य दो होते हैं तो आप कहेंगे सत्य दो कैसे हो सकता है। दरअसल में एक व्यवहार का सत्य होता है और एक परम सत्य होता है। तो परम सत्य को पाने के लिए व्यवहार के सत्य से गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब हम आपको करके दिखाते हैं तो आपके समझ में आएगा। आप हमारी तरफ देखिए, नजर मत हिलाना, देखे रहना, समझाते हैं। एक मेहमान आपके घर आया, मेहमान ने पूछा तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? तो आपने क्या बोला, ये जो बैठी है ये मेरी माता जी हैं। पिताजी कहाँ हैं? ये जो दरवाजे पे बैठे हैं ये पिताजी हैं। तो ये क्या कहा आपने, ये सत्य है। और थोड़ी देर में आपने स्नान किया, लोटे में जल भरा, मंदिर में गए, फिर आपने क्या बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो आपने मंदिर में बोला कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, तो मेहमान ने पूछा कि भाई साहब हमें पागल क्यों बना रहे हो, अभी तो कह रहे थे माता पिता दरवाजे पे बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मंदिर में बैठे हैं, तो इसमें सत्य क्या है? बोले जो दरवाजे पर बैठे हैं ये सत्य है और जो मंदिर में बैठे हैं ये परम सत्य है। और परम सत्य को पाने के बाद सामान्य सत्य छूट जाएगा, लेकिन जब तक परम सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सामान्य सत्य को ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना, दो सत्य होते हैं, एक व्यवहार का सत्य है, एक परम सत्य है। जैसे किसी ने साधु सन्यासी बन गया तो उसके लिए पत्नी बेटा बेटी माता पिता संसार कोई नहीं, उसको तो केवल एक भगवान ही सब कुछ है, वो तो संसार से उसका कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। और जब तक संसार के व्यवहार में रहेगा तो वही रहेगा। जैसे पति तो एक ही होता है, और मीरा कहती है मेरो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, जहां पर किसी अन्य की व्यवस्था ही नहीं। और जिसने एक भगवान को पा लिया उसके लिए संसार के किसी रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको तो सब में वही दिखाई देते हैं ना। इसलिए भाई आप उनसे एक बार ना कोई प्रेम लगा के देखो, कोई रिश्ता बना के देखो, क्या आनंद आएगा। क्योंकि जितना रिश्ता वो निभाएंगे उतना संसार में कोई निभा नहीं सकता है।